हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ काफ़ी अच्छी और उम्मीद है कि आप लोग भी मुझसे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सुबह गाइस, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हैं। पति देव अब चुप रहे, करवा चौथाने वाला है, ठीक है? नहीं करवा करके ऐसे हो जाए मुठ्ठी लगानी उंगली। तो अब भी आवाज आ रही है इसमें से भी। तो ठीक है गाइज, मैं उठ चुकी हूँ और टाइम उठ तो मैं 7 बजे गई थी और अभी टाइम हो गया है 8 बजगी 8 बजगी। और सूट तो मैं लेके नहीं आई थी कोई, क्योंकि रुकने का कोई इरादा नहीं था। और फिर अब मैंने फिर से यही सूट पहन लिया, शायद पिछले 3 लोगों से यही सूट चलता आ रहा है, पर कोई नहीं, मैं क्या करूँ गाइस। अभी हम लोग निकलेंगे सुबह, थोड़ा जल्दी इसलिए निकले क्योंकि ठंड होती होती है, और इसलिए हम लोग नहीं निकले, हाथ में दर्द हो गया। और आज सही मस्त वाली नींद आई, और ना काफ़ी दिनों के बाद इतनी देर तक सोई मैं, क्योंकि पहले अष्टमी को जल्दी उठी, फिर नवमी को भी जल्दी उठी, अब आज ठीक था। अब कल जब विशाल जी जाएंगे तो मुझे फिर जल्दी उठना पड़ेगा गाइस। और अभी जो जो सामान जो मैं भूल चुकी थी ना, वो मैंने ले लिया सामान और पैक कर लिया इस बैग में, और अब चलेंगे। बस मम्मी कह रही है कि मैं बस झाड़ू पोछा कर दूँ, उसके बाद तुम लोग फुर हो जाना चाहें। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मम्मी का बस लास्ट में वो पोछा वाला पानी बाहर गिर रहा है, और फिर अब हम लोग चलेंगे घर पर। और विशाल जी ने भी ये ड्रेस पहन ली, क्योंकि पता ही नहीं था हम लोग रुक जाएंगे। तो अब निकलेंगे, ठंड तो अभी भी लगेगी। रात्रि ख़त्म हो गए हैं और अब जो बुए थे ना वो हम लोग आ गए हैं बुआने, क्योंकि रास्ते में ना काफ़ी सारी ये नहरें आती होती है। पहले तो यही नहर है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है जो बहने लग रहा है। और जो एक बात तो है, ये मुझे गल सिस्टम लगा यहाँ आने के बाद, कितनी गंदगी फैल गई है देख लो जो के चक्करों में, क्योंकि थैली में आ रहे हैं सबकी, जो थैली भी यहीं पर। और अब आराम से बस यहीं से कर दे, ये देख लो अगली में। चलो फिर किस में पानी थोड़ा, स्लो 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 स्लो, बिल्कुल बहने लग रहा ना, वहीं पहुंच जा, बहती बहती में कर दे वो रहा वहां से। देख लो कितना कूड़ा है यार सच में, पानी में कर दिया। चलो ये भी अच्छा हुआ, माए तो बह भी गए। जय माता दी, यस यस, स्ट्रगल देख लो। बाकी हम ऊपर से भी कर सकते थे ना वहां खड़े होके। अरे भाई आराम से, ये भाई भी करेगा इसको, और देख लेते हैं। कितनी थैलियां थैलियां हैं आगे तक लेते हैं यहाँ से। थोड़ी सी मूंगफलियां, कौन सी वाली अच्छी है, क्रंच क्रंच वाली लेनी है जिसमें थोड़ा वो क्रंची बनाए, वो मत है सूखी सूखी आती है। पका रखी है क्या ये, खा के देख लो। ये सही लग रही है। और
मैं काफी खुश हूँ। अब देखते हैं घर जाके क्या बनाएंगे उनके लिए, क्या करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे, मस्त आप लोग होने वाला है। और मैं सोच रही हूँ कुछ स्पेशल पहना जाए नानी के लिए, क्योंकि नानी हमेशा कहती है बंधन के रागर, बंधन के रागर। तो इस बार बनना और ठहरना ही है। देखते हैं क्या पहनूंगी, साड़ी तो नहीं पहनू और कुछ देखूंगी बहुत सुंदर सा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे। मैंने आपको बताया था कि मेरी नानी आएंगी आज, तो मैं हो चुकी हूँ प्रॉपर रेडी उनके लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि उनको चमचम चमचम पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो आज उनके लिए स्पेशल ड्रेस पहनी जाए। तो मैंने मेरी ड्रेस निकाल ली है और मैं घर आते साथ तो काम के लगी थी। पहले तो मैं आई इतने मम्मी ने मूली के परांठे बना रखे थे और मुझे ठंड लग रही थी, फिर मैंने 3-4 परांठे खाए और फिर उसके बाद काम के जुटी। झाड़ू मम्मी ने लगा रखी थी, मैंने लगाया पोचा और फिर मैंने बनाई पनीर की सब्जी, खीर और मम्मी ने लगा दिया आटा। अब आप लोगों को फटाफट से वो चीज़ें दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों का मन भी लल जा जाए। ये देखो मैं आ गई रसोई में, मुझे लगाई गई और इधर मेरी खीर रेडी है, इधर मेरा पनीर की सब्जी रेडी है, इधर आटा लगा दिया और राहुल को हम लोगों ने भेज दिया बाहर की तरफ कि वो कूड़ा खिंडाता रसोई में, उसको खाना है पाइन एप्पल। इसके पास अभी फोन आया हुआ है और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके आपके तो बता ही देना। आप लोगों को पूरी ड्रेस मैं दिखाऊंगी, अभी तो कैसे दिखाऊं। चलो ठीक है अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा पीछे होके कैमरा करते हैं इधर सेट। जितना दिखे ना उतना एंजॉय कर लेना। अब बताना कैसी है। तो गाइस बताओ कैसी लगी मैं। मुझे तो मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है ग्रीन और येलो। तो मुझे काफ़ी टाइम से ये था कि, और ये चुनरी ना आजकल जो चुन्नी ओढ़ते होते हैं ट्रेंड में चल रही, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही क्यों ना पहनी जाए। मैंने बनवा ली मेरे लिए, हालांकि ये ज़्यादा पहनी नहीं जाएगी, फिर भी मेरा मन था तो मैंने बनवा ली, क्योंकि यहाँ पर तो सूट पहनते हैं ज़्यादा। और शीशे में से आपको बैक कैमरे से दिखाऊं, नहीं नहीं पूरी नहीं दिखेगी। तो अब बस इंतज़ार है नानी के आने का। और वो हमारी मम्मी कह रही है मैंने आज तक बोला ऐसे चमचम वाली बिंदी तो लगाई नहीं, आज नानी आ रही है। मैं कहा नानी आ रही है, नानी के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा वाला है। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है आज स्पेशल पहने, तो मैंने पहन लिया स्पेशल। अब मैं बनाऊँगी इसमें मस्त मस्त सी रील्स मैं बनाऊँगी शाम को, क्योंकि अभी मैं अगर परेशान होगी तो मैं पूरे टाइम तक पहन नहीं पाऊँगी। नानी चली जाएगी ना, उसके बाद बनाएंगी रील्स मस्त मस्त वाली। हेलो पाइन एप्पल ज़्यादा खट्टा नहीं है, ठीक ठीक है। नानी अपने पोता पोती साथ आ रही है, अरनू को सर जाएंगे और वो मैं सोचती तो मेरे पास फोन करते हैं उनको। शायद
बतलाम है आपस में, उधर तुम बना लिए, उधर कमरा बन जाएगा, उधर रसोई बन जाएगी, इतना मैं बना ली, मैं इतना तुम बना ली, तलाक कर दिया था चलो ले आकर बोले पी रहे थे दोनों। उसका बाप सुना था ले आ रहे बोलिया दारू बच रही है बोले हाँ बोले कितनी बोले दो एक पैर बच रही है बोले वाह मन्ना दे दो मैं बरंडा बना लूंगा। मम्मी एक जना भी कोनी हसया ये फिर भी हसेंगे चुटकुला खत्म होए बच्चे नानी नु हस बड़ी बाद में तो फिर भी हंसी आई पहले कोई सा को ना हंसा कितने की शर्त है? अच्छा क्यों गया यू के था अरे सो की गई थी सो मैं मार दूंगा की शर्त लग चुकी है गाइस। अब देखते हैं क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। पचास हो गए हमारा देवर मेरा देवर भाभी है तारी अच्छा अरे पिज्जा नु खा लेंगे आजा जीत गया बेचारा जीत गया ताली हो जा चार खातर ये और 95 5 रह गए 96 97 98 99 आखिरी यस सो ताली हो जाए छोर खातर ताली बजाओ बसीब मान गए भाई मान गए नवीन आ जा आठ सही है सही आठ सही 89 90 91 ले भाई छोरा 91 कर गया है नूनी बना दिया तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पूरी कौन मारता है नवीन की डाल इसकी डाल करो नवीन की अंकित की डाल उठने का स्टाइल अलग है कुछ कहो अक्षय ने सही करे अक्षय ने जोर लाया पूरा ये अक्षय मान गए टूटी है
भाई एक दो तीन चार पाँच वाम नीचे सात आठ नौ दस ये पिज्जा खाने गए थे मिर्चा पिज्जा मंगाओ कौन सा आ रहा है कौन सा देता है तो हम लोग जा रहे हैं मंडी पे और विशाल जी अब ना कर आए हैं मंदिर जाना है ना इसलिए तो हम सभी जाएंगे हम जाएंगे बट इसमें अक्षर हो जाएंगे आप पतंग साथ जाएंगे तो हम सभी जा रहे हैं मेरे देवर और मैं बस कितने बड़े बड़े सींग हैं क्या हो गया अब डर आ गया स्कूटी वाला वो डर गया नौरण बता दिया पीछे से अच्छा बहुत मोटे मोटे आप इनकी भांजी लागो भाभी मैं लेके जा रहा ना मांगे ना मांगे बाय चल ला कोई सा ना क्रिया चल ले के ना बाय जा 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 सारे करिए तो समा दे ना दुआ तारा तारा है तारा है डब्बी है हां डब्बी है सो तो दिया नंबर बने थे कौन भी आड़े भी पीछे का क्या कर दिया बाय अटक क्या हो रही हूँ नानी तो हमारी जा चुकी है शाम का टाइम है और अब मम्मी दानी कैसे कुछ बना रही है देखो दशहरे के नाम का थेपड़ी दस थेपड़ी थेपड़ी बनाने लग रही है देखो दस थेपड़ी अब इनको घी बूरा से घी बूरा तो इनकी रावण के दस मुंह तो नहीं हो गए रीति रिवाज से दशहरे के हमारे तो नहीं करा करते ये ऐसे नाड़ तो करे सब नानी कभी करा करते हम देखा करते सब तो ये थेपड़ी बना दी अब इनको लगाएंगे चावल रख के इनके ऊपर और दो पूजा करेंगे चावल हाँ चावल है हाँ घी बुरा और चावल हाँ इनके ऊपर रख के और दो हाँ पूजा कराएंगे हाँ हमारा घर ना सन्नाटा छा गया है ना मम्मी इतने सारे थे इतना हंसी मजाक करा हमारी मम्मी ने एक बहुत ही प्यारा चुटकुला सुनाया वो कौन सुनाते दो भाई पी में थे और वो बना लिया मैंने लोग में तुम्हारी मम्मी चुटकुले कभी कभी आ जाता है मन करता तो सुना देती है हमें और अब राहुल भी गया बाहर विशाल जी भी गए बाहर पापा भी गए हमारे आज बाहर और मैं और मम्मी ही हैं अब करते हैं कुछ और आज भूख तो इतनी ही है बस ज़्यादा खास भूख तो नहीं बची और तो अभी इनको भोग लगवाएंगे थेपड़ियाँ जो बनाई हैं गाइस आज की पूजा भी हो गई कंप्लीट मम्मी ने अच्छे से लगा दिया भोग और आज का व्लॉग करते हैं ये एंड क्योंकि अब और कुछ भी नहीं है दिखाने को मैं व्लॉग एंड करके विशाल जी को करूँगी फोन तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे शेयर कर दे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें मुझे पसीना इसलिए आया हुआ क्योंकि मैंने अभी अभी शॉर्ट वीडियोज़ बनाई है आज अब टाइम जाके लगा इसलिए मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं की थी अब मैं चेंज कर दूँगी तो बाय बाय गाइस।